नमस्कार दोस्तों। तो आज हम माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 पढ़ रहे हैं। तो इसमें मेंटेनेंस की बात कही गई है, और जैसे कि यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, तो इसमें जो है मेंटेनेंस पर फोकस किया गया है। और यहाँ तक हमारा जो पर्पस है वो ये है कि DLEO का पेपर जो है, हमारा जो एग्ज़ाम है वो 6 तारीख को है, तो उसके पहले हमारे जितने सब्जेक्ट हैं उनको कंप्लीट कर लिया जाए कम से कम एक बार। तो यहाँ पे धीरे धीरे समझाने का तो कोई मतलब था नहीं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम चला जाए तो फिर तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो उसके पहले मैं सारे सब्जेक्ट को कवर करना चाहती हूँ। तो मेरा पर्पस बस इतना है कि ये सारे सब्जेक्ट को मैं एक बार आपको आपके सामने रीड कर दूँगी। तो पूरा वेरेक जब आपके सामने रीड हो जाएगा और विथ OT के साथ, तो आपको थोड़ी सी सहूलियत होगी। और आप अगर पढ़ते पढ़ते खुद भी थक रहे हैं तो एक दोबारे से पढ़ेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए और आपको क्वेश्चन का आंसर ना लगा पाए, तो आप में आपको एग्ज़ाम में इससे बड़ी सहायता मिलेगी। इसलिए मैं बस इसको एक बार रीडिंग कर रही हूँ वेयर एक्ट को। तो आप वेयर एक्ट लेकर ही बैठें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 है, 29 दिसंबर 2007। संविधान के अधीन गारंटीकृत और मान्यता प्राप्त माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण के लिए अधिक प्रभावी उपबंधों का और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम है। ये भारत गणराज्य के 58वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। उद्देश्य और कारणों का कथन। तो भारतीय समाज के परंपरागत मानक और मूल्य वयोवृद्ध व्यक्तियों की देखरेख की व्यवस्था करने पर जोर देते हैं, तथापि संयुक्त कुटुंब प्रणाली के क्षीण होने के कारण अनेक वृद्ध व्यक्तियों की अनेक कुटुंब द्वारा देखभाल नहीं की जा रही है। परिणामस्वरूप अनेक वृद्ध व्यक्ति, विशेषकर विधवा महिलाएं, अपने जीवन के संध्याकाल के पर्सों को अकेले व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं, और वे भावात्मक अपेक्षा और शारीरिक तथा वित्तीय सहायता की कमी झेल रही हैं। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बढ़ती हुई आयु एक बड़ी सामाजिक चुनौती बन गई है, और वृद्ध व्यक्तियों की देखरेख सुरक्षा की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यद्यपि माता पिता दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के दिन भरण पोषण का दावा कर सकते हैं, फिर भी यह प्रक्रिया अत्यधिक समय लगने वाली और साथ ही खर्चीली भी आते हैं। माता पिता के लिए भरण पोषण दावा करने के लिए सरल, कम खर्चीले और शीघ्र प्रक्रिया के उपबंधों की आवश्यकता है। विधेयक में ऐसे व्यक्तियों पर जो अपने वृद्ध नातेदारी की संपत्ति विरासत में प्राप्त करते हैं, ऐसे वृद्ध नातेदारों के भरण पोषण की बाध्यता अधिरूपित करने का प्रस्ताव है, और निर्धन वृद्ध व्यक्तियों का भरण पोषण करने के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना करने के लिए और बंद करने का भी प्रस्ताव है। विधेयक में यह और भी प्रस्ताव है कि वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर चिकित्सीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए एवं उनके जीवन एवं संपत्ति की रक्षा के लिए उपबंध किए जाएं। अतः विधेयक में निम्नलिखित के लिए उपबंध करने का प्रस्ताव है। माता पिता वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यकता पर आधारित भरण पोषण उपलब्ध करने के लिए समुचित तंत्र स्थापित करना, वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, वृद्ध व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक समृद्धि क्षेत्र संस्थागत बनाना, और प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम स्थापित करना विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए। ठीक है, अब अध्याय एक है। तो प्रारंभिक संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू और प्रारंभ। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य की सेवाएं संपूर्ण भारत पर है, और यह भारत के नागरिकों को भी लागू है। यह किसी राज्य में ऐसी तारीख को जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे प्रवृत्त होगा। परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो तो बालक के अंतर्गत बालक में बेटा बेटी, पौत्र और पौत्री सम्मिलित हैं, किंतु इसमें कोई अवयस्क सम्मिलित नहीं है। भरण पोषण में आहार, वस्त्र, निवास और चिकित्सीय परिचर्या और उपचार उपलब्ध कराना सम्मिलित है। अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के उपबंधों के अधीन वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं किया
गया समझा जाता है। डी है माता पिता से पिता या माता अभिप्रेत है, चाहे वह यथास्थिति जैसे दत्तक या सौतेले पिता या सौतेली माता है, चाहे माता या पिता कोई वरिष्ठ नागरिक है या नहीं। वेहत है वेहत से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा वेहत अभिप्रेत है। संपत्ति से किसी प्रकार की संपत्ति अभिप्रेत है, चाहे वह जंगम या स्थावर पैतृक या स्वयं अर्जित मूर्त या अमूर्त हो और जिसमें ऐसी संपत्ति में अधिकार या हित सम्मिलित हो। अगला है नातेदार से नेह संतान वरिष्ठ नागरिकों का कोई विधिक वारिस अभिप्रेत है जो कोई अवयस्क नहीं है तथा उसकी मृत्यु के पश्चात अपने उसकी संपत्ति उसके कब्जे में है या विरासत में प्राप्त करेगा। वरिष्ठ नागरिक से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत का नागरिक हो और जिसने 60 वर्ष या ऊपर की आयु प्राप्त कर ली है। अगली परिभाषा है किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है। अगला है अधिकरण से धारा 7 के अधीन गठित भरण पोषण अधिकरण अभिप्रेत है। के है कल्याण से भोजन स्वास्थ्य देखरेख मनोरंजन केंद्र और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक अन्य सुविधाओं के लिए व्यवस्था अभिप्रेत है। तीसरा है अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। इस अधिनियम के उपबंधों का इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के कारण प्रभाव रखने वाले किसी लिखित में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभाव होगा। अध्याय 2 है माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण। 4 है माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण। कोई वरिष्ठ नागरिक जिसके अंतर्गत माता पिता जो स्वयं के अर्जन से जो स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वाधीन संपत्ति में से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है। पहला है माता पिता दादा दादी की दशा में उसके एक या अधिक बालकों के विरुद्ध जो कोई आवेश के नहीं है। दूसरा है किसी नए संतान वरिष्ठ नागरिक की दशा में उसके ऐसे नातेदार के विरुद्ध जो धारा 2 के खंड 6 में निर्दिष्ट है। धारा पाँच के अधीन कोई आवेदन करने का हकदार होगा। दूसरा है किसी वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करने के लिए यथास्थिति बालक या नातेदार की बाध्यता ऐसे नागरिक की आवश्यकताओं तक विस्तारित होगी जिससे कि वरिष्ठ नागरिक एक साधारण जीवन व्यतीत कर सके। तीसरा है अपने माता पिता या भरण पोषण करने की बालक की बाध्यता यथास्थिति ऐसे माता पिता या माता या दोनों की आवश्यकता तक विस्तारित होगी जिससे कि ऐसे माता पिता एक साधारण जीवन व्यतीत कर सके। चौथा है कोई व्यक्ति जो किसी वरिष्ठ नागरिक का नातेदार और उसके पास पर्याप्त साधन है ऐसे वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करेगा, परंतु यह तब जबकि ऐसे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति उसके कब्जे में है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति को वशीयत में प्राप्त करेगा। परंतु जहाँ एक नातेदार से अधिक नातेदार किसी वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति को वशीयत में प्राप्त करने के हकदार हैं वहाँ भरण पोषण ऐसे नातेदार द्वारा उस अनुपात में संदेह होगा जिसमें वे उसकी संपत्ति को विरासत में प्राप्त करेंगे। पांचवा है भरण पोषण के लिए आवेदन। धारा 4 के अधीन भरण पोषण के लिए कोई आवेदन का यथास्थिति किसी वरिष्ठ नागरिक को किसी माता पिता द्वारा किया जा सकेगा या यदि वह अशक्त है तो उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या किसी संगठन द्वारा किया जा सकेगा। सी है अधिकरण स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकेगा। स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजन के लिए संगठन से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक संगम अभिप्रेत है। स्वैच्छिक संगम अभिप्रेत है। अधिकरण इस धारा के अधीन भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते की बाबत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ऐसे बालक या नातेदार को ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिसके अंतर्गत माता पिता भी हैं कि अंतिम भरण पोषण के लिए एक मासिक भत्ता देने और उसे ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिसके अंतर्गत माता पिता भी हैं को संदाय करने का ऐसा आदेश कर सकेगा जो अधिकरण सहायक समय पर निर्देश करें। तीनों उपधारा 1 के अधीन भरण पोषण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर बालक या नातेदार को आवेदन की सूचना देने के पश्चात और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात भरण पोषण की रकम का अवधारण करने के लिए कोई जाँच कर सकेगा।
चौथा है भरण पोषण के लिए और कार्यवाही के खर्चे के लिए मासिक भत्ते हेतु उपधारा 2 के अधीन फाइल किए गए किसी आवेदन का यथासंभव ऐसे व्यक्ति को आवेदन की सूचना की तामीली की तारीख से 90 दिनों के भीतर निपटान किया जाएगा, परंतु अधिकरण अधिबद्ध लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से असाधारण परिस्थितियों में उक्त अवधि को एक बार अधिकतम 30 दिन तक बढ़ा सकेगा। पांचवा उपधारा 1 के दिन भरण पोषण के लिए कोई आवेदन एक या अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध फाइल किया जा सकेगा, परंतु ऐसे बालक या नातेदार भरण पोषण के लिए आवेदन में माता पिता का भरण पोषण करने के लिए दायी अन्य व्यक्ति को पक्षकार बना सकेगा। जहाँ भरण पोषण का आदेश एक या अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध किया गया था वहाँ उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु भरण पोषण का संदर्भ जारी रखने के लिए अन्य व्यक्तियों के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगी। सातवां है भरण पोषण कार्रवाई के खर्चे के लिए कोई ऐसा भत्ता आदेश की तारीख से है यदि ऐसा आदेश किया जाता है यथास्थिति भरण पोषण या कार्रवाई के खर्चे के आवेदन की तारीख से संदेह होगा। आठ है यदि ऐसी बालक या नातेदार जिन्हें ऐसा आदेश दिया जाता है पर्याप्त हेतु के बिना आदेश का पालन करने में असफल रहते हैं तो कोई ऐसा अधिकरण आदेश के प्रत्येक उल्लंघन के लिए जुर्माने का उद्ग्रहण करने के लिए उपबंधित रीति में देय राशि के उद्ग्रहण का वारंट जारी कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को यथास्थिति भरण पोषण और कार्रवाई के खर्चे के लिए प्रत्येक मास के संपूर्ण भत्ते या उसके किसी भाग के लिए ऐसे वारंट के निष्पादन के पश्चात असंदत्त शेष भाग के लिए कारावास से जो एक मास तक का हो सकेगा संदेह होने तक यदि संदेह शीघ्र किया जाता है इनमें से जो भी पूर्वतर हो दंडादिष्ट कर सकेगा, परंतु इस धारा के अधीन शोध किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक उस तारीख से जिसको यह शोध रकम शुद्ध हो जाती है 3 मास की अवधि के भीतर उसके उद्ग्रहण के लिए अधिकरण को आवेदन नहीं किया जाएगा। 6 है अधिकारिता और प्रक्रिया। धारा 5 के अधीन बालकों का नातेदारों के विरुद्ध किसी जिले में कार्रवाई शुरू की जा सकेगी का वहां जहां वह निवास करता है या अंतिम बार निवास किया था और जहां बालक या नातेदार निवास करता है। धारा 5 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर अधिकरण बालकों या नातेदार जिनके विरुद्ध आवेदन फाइल किया गया है की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आदेशिका जारी करेगा। बालकों या नातेदार की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन यथा उपबंधित प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होंगी। ऐसी प्रक्रियाओं के सभी साक्ष्य बालकों या नातेदारों की जिनके विरुद्ध भरण पोषण का संदेह के लिए आदेश किया जाना प्रस्तावित उपस्थिति में लिए जाएंगे और समन मामलों के लिए वैध रीति में अभिलिखित किए जाएंगे, परंतु यदि अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि बालक या नातेदार जिसके विरुद्ध भरण पोषण के संदेह के लिए आदेश किया जाना प्रस्तावित है जानबूझकर तामील से बच रहा है या जानबूझकर अधिकरण में उपस्थित होने की अपेक्षा कर रहे हैं तो अधिकरण मामले को एक पक्षीय रूप से सुनवाई करने और अवधारित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा। पांचवा है जहां बालक या नातेदार भारत के बाहर रह रहे हैं वहां अधिकरण द्वारा समान ऐसे प्राधिकरण के माध्यम से तामील किए जाएंगे जिसे इस निमित्त केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें। छठवां है अधिकरण धारा 5 के अधीन आवेदन की सुनवाई करने के से पूर्व उसे सुलह अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा और ऐसा सुलह अधिकारी अपने निर्देशों को 1 मास के भीतर प्रस्तुत करेगा और यदि सौहार्दपूर्ण सुलह हो गई है तो अधिकरण उस भाव का एक आदेश पारित करेगा। स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण इस उपधारा के प्रयोजन के लिए सुलह अधिकारी से ऐसा व्यक्ति या धारा 5 की उपधारा 1 के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट संगठन का प्रतिनिधित्व या धारा 18 की उपधारा 1 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अभिहित भरण पोषण अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए अधिकृत द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है। साथ ही भरण पोषण अधिकरण का गठन राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक उपखंड के लिए एक या अधिक अधिकरण गठित कर सकेगी जो धारा 5 के अधीन भरण पोषण के आदेश के न्याय निर्णयन और विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए। दूसरा है अधिकरण के राज्य के उपखंड अधिकारी से अन्य उनकी पंक्ति के अधिकारी द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। जहां किसी क्षेत्र के लिए 2 या अधिक अधिकरण गठित किए जाते हैं वहां राज्य सरकार साधारण या विशेष
आदेश द्वारा उनके बीच कारोबार के वितरण को निश्चय कर सकेगी। धारा 8 जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया अधिकरण 5 के अधीन कोई जांच करने में ऐसे किन्हीं निवेदनों नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाए, जांच ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जिसे वह ठीक समझे। दूसरा है अधिकरण को शपथ पर साक्षी लेने और साक्षियों को हाजिर कराने, दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों का पता कराने और उनको प्रस्तुत कराने के प्रयोजन के लिए तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाएं सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के अधीन प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। तीसरा है अधिकरण निमित्त बनाए जाने वाले किसी नियम के अधीन रहते हुए भरण पोषण के लिए किसी दावे का न्याय निर्णय करने का उसका विनिश्चय करने के प्रयोजनों के लिए जांच करने में उसकी सहायता करने के लिए ऐसे किसी एक या अधिक व्यक्तियों को चुन सकेगा जिसके पास जांच से सुसंगत किसी विषय का विशेष ज्ञान हो। 9 है भरण पोषण का आदेश। यदि यथास्थिति बालक या नातेदार ऐसे वरिष्ठ नागरिक का जो स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है भरण पोषण करने से अपेक्षा या इनकार करते हैं तो अधिकरण ऐसी अपेक्षा या इनकार के बारे में समाधान हो जाने पर ऐसे बालकों और नातेदारों को ऐसे वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर मासिक भत्ता देने का जो अधिकरण ठीक समझे और ऐसे वरिष्ठ नागरिक को उस भत्ते का संदाय करने का आदेश दे सकेगा जो अधिकरण समझ पर निर्देश करे। वह अधिकतम भरण पोषण भत्ता जिसका अधिकरण आदेश दिया जा सकेगा वह होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए और जो 10,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा। 10 है भत्ते में परिवर्तन। भरण पोषण के लिए किसी तथ्य के दुर्व्यवदेशन या गलती के या धारा 5 के अधीन मासिक भत्ता प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति की अथवा भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते का संदाय करने के उसी धारा के अधीन आदेशिका व्यक्ति की परिस्थितियों में परिवर्तन के सबूत पर अधिकरण भरण पोषण के भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे। दूसरा है जहां अधिकरण को यह प्रतीत होता है कि किसी सक्षम सिविल न्यायालय ने के किसी विनिश्चय के परिणाम स्वरूप धारा 9 के अधीन किए गए किसी आदेश को रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार यथास्थिति उस आदेश को रद्द या परिवर्तित कर सकेगा। 11 है भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन। यथास्थिति वरिष्ठ नागरिक या माता पिता को जिसके पक्ष में आदेश किया जाता है यथास्थिति भरण पोषण के आदेश तथा कार्रवाई के खर्चे के संबंध में आदेश की प्रति किसी फीस या संदाय किए बिना दी जाएगी और ऐसे आदेश को किसी ऐसे स्थान पर किसी अधिकरण द्वारा पक्षकारों की पहचान और यथास्थिति भत्ते के संदाय अथवा शुद्ध खर्चों के बारे में समाधान हो जाने पर प्रवृत्त किया जा सकेगा जहाँ वह व्यक्ति निवास करता है जिसके विरुद्ध आदेश किया जाता है। दूसरा है इस अधिनियम के दिन किए गए भरण पोषण के आदेश का वही बल और प्रभाव होगा जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 9 के दिन पारित आदेश का होता है और वह उस संहिता द्वारा ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए विहित रीति में निष्पादित किया जाएगा। 12 है कतिपय मामलों में भरण पोषण के संबंध में विकल्प दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 9 में किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई वरिष्ठ नागरिक या माता पिता उक्त अध्याय के अधीन भरण पोषण के लिए हकदार है और इस अधिनियम के अधीन भरण पोषण के लिए भी हकदार है वहाँ वे उक्त संहिता के अध्याय 9 के उक्त संहिता के अध्ययनों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उन दोनों अधिनियमों में से किसी के अधीन ऐसे भरण पोषण का दावा कर सकेंगे किंतु दोनों के अधीन नहीं। भरण पोषण की रकम का जमा किया जाना, जब इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश किया जाता है तब ऐसा बालक या नातेदार जिससे ऐसे आदेश के निबंधनों के अनुसार की रकम का संदाय करना अपेक्षित है अधिकरण द्वारा आदेश सुनाए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर आदेशिका संपूर्ण रकम ऐसी रीति में जमा करेगा जैसा अधिकरण निर्देश दे। 14 है ब्याज का अधिनिर्णय। जहाँ कोई दावा अनुज्ञात किया जाता है, जहाँ कोई अधिकरण इस अधिनियम के अधीन भरण पोषण का कोई आदेश करता है वहाँ ऐसा अधिकरण यह निर्देश दे सकेगा कि भरण पोषण की रकम के अतिरिक्त ऐसी दर पर और ऐसी
तारीख से जो आवेदन करने की तारीख से पूर्व तारीख ना हो जो अधिकरण द्वारा निर्धारित की जाए। साधारण ब्याज का भी संदेह किया जाएगा जो 5% से कम और 18 वर्ष से अधिक नहीं होगा, 18% से अधिक नहीं होगा। परंतु जहां धन प्रज्ञा सहित 1973 के अध्याय 9 के अधीन भरण पोषण के लिए कोई आवेदन इस अधिनियम के प्रारंभ पर किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है, वहां न्यायालय माता पिता के अनुरोध पर ऐसे आदेश को वापस लेने के लिए अनुज्ञात करेगा और ऐसे माता पिता अधिकरण के समक्ष भरण पोषण के लिए आवेदन फाइल करने के हकदार होंगे। 15 अपील अधिकरण का गठन। राज्य सरकार अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक अपील अधिकरण का गठन कर सकेगी। अपील अधिकरण का अध्यक्ष ऐसा अधिकारी होगा जो जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का ना हो। 16 अपील अधिकरण में किसी आदेश द्वारा व्यथित यथास्थिति कोई वरिष्ठ नागरिक या कोई माता पिता आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा, परंतु अपील पर भी बालक या रिश्तेदार जिनसे ऐसे भरण पोषण के आदेश के निबंधनों के अनुसार किसी रकम का संदेह किए जाने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे माता पिता को इस प्रकार आदेशित रकम का संदेह अपील अधिकरण द्वारा निर्देशित रीति से करता रहेगा। परंतु यह और कि अपील अधिकरण यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था, 7 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के बजाय अपील ग्रहण कर सकेगा। दूसरा है अपील अधिकरण अपील की प्राप्ति पर प्रत्यर्थी पर सूचना की तामील करेगा। तीसरा है अपील अधिकरण उस अधिकरण से जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है कार्रवाई का अभिलेख करेगा, अभिलेख मंगा सकेगा। अपील अधिकरण अपील और मंगवाएगा अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात या तो अपील मंजूर कर सकेगा या खारिज कर सकेगा। 5 अपील अधिकरण अधिकरण के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील को न्याय निर्णय और विनिश्चय करेगा तथा अपील अधिकरण का आदेश अंतिम होगा। परंतु कोई अपील तब तक खारिज नहीं हो जाएगी जब तक कि दोनों पक्षकारों को व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने का अवसर ना दे दिया गया हो। 6 है अपील अधिकरण का अपना आदेश अपील की प्राप्ति के 1 के भीतर लिखित सुनाने का प्रयास करेगा। 7 है उपधारा 5 के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति निःशुल्क दोनों पक्षकारों को भेजी जाएगी। 17 विधिक अभ्यावेदन का अधिकार किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी अधिकरण या अपील अधिकरण के अधिकरण के समय कार्रवाइयों का किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा। विधि व्यवसाय द्वारा क्या नहीं किया जाएगा? विधिक अभ्यावेदन का अधिकार किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, मतलब कोई अन्य विधि उसमें कुछ भी लिखा हो, अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्रवाइयों का किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसाय द्वारा नहीं किया जाएगा। 18 भरण पोषण अधिकारी, तो राज्य सरकार जिला समाज कल्याण अधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी को चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो भरण पोषण अधिकारी के रूप में पदावेत करेगी। 2 है उपधारा 1 में निर्दिष्ट भरण पोषण अधिकारी यदि कोई माता पिता ऐसी वांछा करे उसका यथास्थिति अधिकरण या अपील
अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाही प्रधान प्रतिनिधित्व करेगा। 18 अध्याय 3 है वृद्धाश्रमों की स्थापना। 19 है वृद्धाश्रमों की स्थापना। राज्य सरकार पहुंच के भीतर वृद्धाश्रमों की स्थापना राज्य सरकार पहुंच के भीतर स्थानों पर उतनी संख्या में वृद्धाश्रम चरणबद्ध रीति से स्थापित करेगी और उनका अनुरक्षण करेगी जितना वह आवश्यक जितना वह आवश्यक समझे, और आरंभ में प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसा वृद्धाश्रम की स्थापना करेगी जिसमें कम से कम ऐसा 150 वरिष्ठ नागरिकों को आवास दिया जा सके जो निर्धन है। राज्य सरकार वृद्धाश्रमों के प्रबंध की एक स्कीम विहित करेगी जिसके अंतर्गत उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मानदंड और विभिन्न प्रकार भी हैं जो ऐसे आश्रमों के निवासियों की चिकित्सीय देखभाल और मनोरंजन के साधनों के लिए आवश्यक हैं। स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजन के लिए निर्धन से ऐसा कोई वरिष्ठ नागरिक अभिप्रेत है जिसके पास स्वयं का भरण पोषण करने के लिए उतने पर्याप्त साधन नहीं है जो राज्य सरकार द्वारा स्वयं स्वयं पर आधारित किए जाएं। 20 है अध्याय 4 वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सीय देखरेख के लिए उपबंध। वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सहायता राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्त पोषित अस्पताल सभी वरिष्ठ नागरिकों को यथासंभव बिस्तर प्रदान करेंगे। दूसरा है वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक पंक्तियों की व्यवस्था की जाएगी। असाध्य जानलेवा और अपहराशन रोगों के उपचार के लिए सुविधाएं वरिष्ठ नागरिकों को भी दी जाएंगी। चौथा है असाध्य वृद्धाश्रमों के रोगों और वृद्धाश्रमों के संबंध में अनुसंधान क्रियाकलापों का विस्तार किया जाए। पाँचवा है जरा चिकित्सीय देखरेख में अनुभव रखने वाले चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता वाले प्रत्येक जिला अस्पताल में जरा चिकित्सा के रोगियों के लिए सुविधाएं निःशुल्क दी जाएंगी। अभी हमारा अध्याय 5 है वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा। 21 है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रचार जागरूकता आदि के लिए उपाय। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी उपाय करेगी कि इस अधिनियम के उपबंधों का टेलीविजन रेडियो अखबारों सहित सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से नियमित अंतरालों का व्यापक प्रचार किया जाता है। दूसरा है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को जिनके अंतर्गत पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवा के सदस्य भी हैं इस अधिनियम के संबंधित मुद्दों पर समय समय पर शुग्राही और जागरूक होने का प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरा है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए विधि गृह स्वास्थ्य और कल्याण से संबंध मंत्रालयों या विभागों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय और उनका कालिक पुनर्विलोकन किया जाता है। अब है धारा 22 प्राधिकारी जिन्हें इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा तो पहला है राज्य सरकार किसी जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्तियां प्रदत्त और उस पर ऐसे कर्तव्य निरूपित कर सकेगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि इस अधिनियम के उपबंधों का उचित रूप से पालन किया जाता है और जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ ऐसे अधिकारी को जो इस प्रकार प्रदत्त या अधिरूपित सभी या किसी शक्ति का प्रयोग और सभी या किसी कर्तव्य का पालन करेगा और वे स्थानीय सीमाएं विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसके भीतर ऐसी शक्तियों का कर्तव्य का जो भेद किए जाए उस अधिकारी द्वारा पालन किया जाएगा। दूसरा है राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना विहित करेगी। 23 कतिपय परिस्थितियों में संपत्ति के अंतरण का शून्य होना जहाँ कोई वरिष्ठ नागरिक जिस ने इस अधिनियम के
आरंभ के पश्चात अपनी संपत्ति का दान के रूप में या अन्यथा अंतरण इस शर्त के अधीन रहते हुए किया कि अंतरित्य अंतरा को बुनियादी सुख सुविधाएं और बुनियादी भौतिक जरूरतें प्रदान करेगा, और ऐसा अंतरित्य ऐसी सुख सुविधाएं तथा भौतिक जरूरतें प्रदान करने से इनकार करेगा या असफल रहेगा तो संपत्ति का उक्त अंतरण कपट या प्रेरणा या अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया गया समझा जाएगा और अंतरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा। दूसरा है जहाँ किसी वरिष्ठ नागरिकों को किसी संपदा से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है और ऐसी संपदा का उसका भाग अंतरित कर दिया जाता है, तो यदि अंतरित्य के पास अधिकार की सूचना है या यदि अंतरण बिना प्रतिफल के हैं तो भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार अंतरित्य के संबंध में लागू किया जा सकेगा, ना कि उस अंतरित्य के संबंध में जो प्रतिफल के लिए है और जिसके पास अधिकार की सूचना नहीं है। तीसरा है यदि कोई वरिष्ठ नागरिक उपधारा एक की उपधारा दो के अधीन अधिकार को लागू करने में असमर्थ है तो धारा पाँच की उपधारा एक पाँच की उपधारा एक स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट किसी संगठन द्वारा उसकी ओर से कार्रवाई की जा सकेगी। अध्याय छः अध्याय छः अपराध और विचारण के लिए प्रक्रिया 24 से वरिष्ठ नागरिकों को अधिक आरक्षित छोड़ना और उनका परित्याग। जो व्यक्ति ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को किसी स्थान में ऐसे वरिष्ठ नागरिक का पूर्णतया परित्याग करने की आशा से छोड़ेगा वह ऐसी अवधि के किसी कारावास से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। 25 अपराधों का संज्ञान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के दिन प्रत्येक अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा। दूसरा इस अधिनियम के दिन किसी अपराध का किसी मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जाएगा। अध्याय 7 है प्रकीर्ण धारा 26 अधिकारियों का लोक सेवक होना। इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किए गए प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी वृंद को भारतीय दंड संहिता 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। 27 सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन किसी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले में अधिकारिता नहीं होगी जैसे इस अधिनियम का कोई उपबंध लागू होता है और किसी सिविल न्यायालय द्वारा ऐसी किसी बात की बाबत जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन की गई है किए जाने के लिए आश्रित है कोई व्यादेश नहीं दिया जाएगा। सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण इस अधिनियम या तदनिधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेश के अनुसरण में सद्भाव पूर्वक की गई या किए जाने के लिए आश्रित किसी बात के संबंध में कोई बात अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई केंद्रीय सरकार राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या उस सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध ना होगी। उनते से कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति यदि इस अधिनियम के उपबंधों की प्रभावित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो ऐसे उपबंध बना सकेगी जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उससे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो। तो यहाँ पर जो कठिनाई है उनको दूर करने की शक्ति किसको है तो राज्य सरकार करेगी, परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के आरंभ की तारीख से 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। अब कठिनाई को दूर करना है तो 2 वर्ष तक जब कठिनाई उत्पन्न होती है तब तक किया जा सकता है। तीस से निर्देश देने की केंद्रीय सरकार की शक्ति, तो केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों का निष्पादन करने के बारे में किसी राज्य सरकार को निर्देश दे सकेगी। 31 से केंद्रीय सरकार की पुनर्विलोकन करने की शक्ति, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन की प्रगति के लिए पुनर्विलोकन तथा अनुवीक्षण कर सकेगी। बद्ध से नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
अभी हमारा मध्य प्रदेश माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण नियम 2009, तो यह अधिसूचना क्रमांक F1/22/2009 26/2 दिनांक 2 जुलाई 2009 माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 32 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात पहला है प्रारंभिक संक्षिप्त नाम प्रारंभ इन इसे का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2009 है। ये नियम मध्य प्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। परिभाषा, इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो अधिनियम से अभिप्रेत है माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007/56 आवेदन से धारा 5 के अधीन किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है। अब बी हो गया हमारा, सी देखेंगे हम। तो हम नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार की फिर से पढ़ते हैं। नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति, यह हमारा 32 में बताया गया है। तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस नियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी, ठीक है। इसके बाद है हमारा जी पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे। काहे ऐसे नियमों के अधीन रहती हुई जो धारा 8 की उपधारा 1 के अधीन विहित किए जाएं जांच कराने की रीति। बी है यह धारा 8 की उपधारा 2 के अधीन अन्य प्रयोजन के लिए अधिकरण की शक्ति और प्रक्रिया। सी है अधिकतम भरण पोषण भत्ता जो धारा 9 की उपधारा 2 के अधीन अधिकरण द्वारा आदेशित किया जाए। डी है धारा 19 की उपधारा 2 के अधीन वृद्धाश्रम के प्रबंध के लिए स्कीम जिसके अंतर्गत उनके द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले मानक और विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी हैं जैसे आश्रमों के निवासियों की चिकित्सीय देखरेख और मनोरंजन के साधनों के लिए आवश्यक हों। ई है धारा 22 की उपधारा 1 के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकरण कार्यों की शक्तियाँ और कर्तव्य। एफ धारा 22 की उपधारा 2 के अधीन वरिष्ठ नागरिकों के जीवन संपत्ति सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक कार्य योजना। जी है कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए जाना है या विहित किया जाए इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जहां वह दो सदनों से मिलकर बना है या जहां ऐसे विधानमंडल में एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा। अब हम ये पढ़ेंगे, ये हमारा हो गया है पूरा, सदन के समक्ष रखा जाएगा, तीसरा भी हो गया। अब हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण नियम। तो इतना हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हम देख लेते हैं परिभाषाओं से देख लेते हैं। परिभाषाएं, इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो अधिनियम से अभिप्रेत है माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007/56 भी है आवेदन से अभिप्रेत है धारा 5 के अधीन किया गया कोई आवेदन। अब सीहे अंतः प्रभावी किसी पुरुष और किसी स्त्री के संदर्भ में रक्त नातेदारी से अभिप्रेत है पिता पुत्री माता पुत्र एवं भाई बहन चचेरे तथा ममेरे भाई बहन नहीं। अंतःवासी किसी पुरुष और किसी स्त्री के संदर्भ में रक्त नातेदारों से अभिप्रेत है पिता पुत्री
माता पुत्र एवं भाई बहन, चचेरे और ममेरे भाई बहन इसके अंतर्गत नहीं आते। डी है प्रारूप से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्रारूप। ई है वृद्धाश्रम से संबंध में अंतर्वासी से अभिप्रेत है कोई वरिष्ठ नागरिक जो सम्यक रूप से ऐसे आश्रम में निवास करने के लिए भर्ती किया गया हो। एफ विरोधी पक्षकार से अभिप्रेत है धारा 4 के अधीन भरण पोषण हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदन की विरोधी पक्षकार। जी है पीठासीन अधिकारी से अभिप्रेत है धारा 7 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट भरण पोषण अधिकरण या धारा 15 की उपधारा 2 के अधीन किसी अपील अधिकरण की अध्यक्षता करने हेतु नियुक्त कोई अधिकारी। ऐसे विरोधी पक्षकार से अभिप्रेत है धारा 4 के अधीन ये हमारा हो गया 4-4 के दिन भरण पोषण हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदन का विरोधी पक्ष का। ये हमने पढ़ लिया है, जी पढ़ लिया है पीठासीन अधिकारी, फिर से पढ़ लेते हैं। पीठासीन अधिकारी से अभिप्रेत है धारा 7 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट भरण पोषण अधिकरण या धारा 15 की उपधारा 2 में 2 के अधीन किसी अपील अधिकरण की अध्यक्षता करने हेतु नियुक्त कोई अधिकारी। धारा से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा। आई है राज्य सरकार से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश सरकार। जी है वरिष्ठ नागरिक से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है जिसने 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। अधिकरण से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 7 के दिन गठित भरण पोषण अधिकरण। दो है उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का जिन्हें अधिनियमों में प्रयोग किया गया है किंतु इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उसके लिए समुनिर्देशित किया गया है। अध्याय 2 है भरण पोषण अधिकरण एवं सुलह अधिकारी के लिए प्रक्रिया। तीसरा है सुलह अधिकारी की नियुक्ति हेतु सुलह अधिकारी। अध्याय 2 हमारा चल रहा है तो भरण पोषण अधिकरण एवं सुलह अधिकारी के लिए प्रक्रिया। तो तीसरा है सुलह अधिकारी की नियुक्ति हेतु पैनल। तो प्रत्येक अधिकरण धारा 6 की उपधारा 6 के अधीन सुलह अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगा जिसमें धारा 18 के अधीन पदाभिहित किए गए भरण पोषण अधिकारी भी सम्मिलित होंगे। दो है धारा 18 के अधीन नाम निर्देशित भरण पोषण अधिकारियों से भिन्न उपनियम 1 के अधीन निर्दिष्ट व्यक्तियों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करने के अधीन चुना जाएगा अर्थात का है वह किसी ऐसे संगठन से जुड़ा हो जो वरिष्ठ नागरिक तथा या कमजोर वर्ग के कल्याण हेतु या शिक्षा स्वास्थ्य गरीबी उन्मूलन महिला सशक्तिकरण समाज कल्याण ग्रामीण विकास से संबंधित क्षेत्रों में निष्कलंक सेवा अभिप्रेत सहित कम से कम 2 वर्ष से कार्य कर रहा हो। का हो गया खा है वह संगठन या वरिष्ठ पदाधिकारी हो और सी है उसे विधि की अच्छी जानकारी हो परंतु उस व्यक्ति को जो उपरोक्त वर्णित प्रकार से संगठन से जुड़ा ना हो निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करने पर उपनियम 1 में वर्णित पैनल में सम्मिलित किया जाएगा अर्थात एक उसका खंड का में उल्लेखित किसी एक या अधिक क्षेत्रों में जनसेवा का अच्छा तथा निष्कलंक रिकॉर्ड होना चाहिए। विधि का अच्छा तथा निष्कलंक रिकॉर्ड होना चाहिए। दूसरा है विधि का अच्छा ज्ञान रखना होना चाहिए। तीसरा है अधिकरण उपनियम 1 में उल्लेखित पैनल की क्रमशः 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को वर्ष में कम से कम 2 बार आम सूचना प्रकाशित करेगा तथा प्रत्येक समय परिवर्तन के संबंध में भी आम सूचना प्रकाशित की जाएगी। चौथा है भरण पोषण हेतु आवेदन करने तथा उनके रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया। धारा 4 के अधीन भरण पोषण हेतु आवेदन प्रारूप का में धारा 5 की उपधारा 1 के खंड का खा में अधिकथित रीति से किया जाएगा। दो है उपनियम 1 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर पीठासीन अधिकारी सुनिश्चित करेगा भरण पोषण दावा प्रकरण से रजिस्टर में आवश्यक विवरण दर्ज किया जाए। बी है प्रारूप खा में आवेदन की पावती व्यक्तिगत सुपुर्दगी की दशा में आवेदक या उसके
अधिकृत प्रतिनिधि को नियम 5 में किसी बात के होते हुए भी देनी होगी एवं अन्य मामले में डाक द्वारा भेजे जाने को अस्वीकृति माना जाएगा। अभिस्वीकृति में अन्य बातों के साथ साथ आवेदन की रजिस्ट्रीकरण संख्या भी निर्दिष्ट की जाएगी। तीसरा है, जहाँ अधिकरण भरण पोषण दावे का प्रेरणा से संज्ञान लेता है वहाँ पीठासीन अधिकारी तथ्यों को सुनिश्चित करने के उपरांत अभिकरण के कर्मचारियों के माध्यम से यथासंभव यथार्थ रूप से पूर्ण किया गया प्रारूप का प्राप्त करेगा। और जहाँ तक संभव संबंधित वरिष्ठ नागरिक या माता पिता अथवा किसी भी ऐसे व्यक्ति या उसके द्वारा अधिकृत संगठन से अधिप्रमाणित करवाएगा एवं उसे उपरोक्त उपनियम 2 के खंड बी के अनुसार रजिस्ट्रीकृत करवाएगा। 5 है, आवेदन की प्राथमिक संवीक्षा। 1 है, धारा 5 की उपधारा 1 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर अधिकरण अपना स्वयं समाधान करेगा कि आवेदन पूर्ण है और बी विरोधी पक्षकार प्रथम दृष्टया धारा 4 के निबंधन में भरण पोषण देने के लिए बाध्य है। दूसरा है, जहां अधिकरण आवेदन में कोई कमी पाता है तो वह आवेदक को ऐसी कमी को युक्तियुक्त समय सीमा के भीतर दूर करने के लिए निर्देशित कर सकेगा। विरोधी पक्षकार को सूचना, यदि अधिकरण का नियम 5 के उपनियम 1 में वर्णित बिंदु से समाधान हो जाता है तो वह प्रारूप गांव में प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध भरण पोषण का आवेदन किया गया आवेदन की एक प्रति अनुलग्नों के साथ संलग्न करने लगे तिथि में कारण बताओ सूचना जारी करेगा कि क्यों ना आवेदन स्वीकृत किया जाए। काहे आवेदक द्वारा यदि वह वांछा करे प्रत्यक्ष सुपुर्दगी द्वारा अथवा आदेशिका तामिलकर्ता द्वारा। बी है, रजिस्ट्रीकृत रसीदी डाक द्वारा। दूसरा है, सूचना में विरोधी पक्षकार को लिखित में कारण बताओ सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख का व्यक्तिक रूप से उपलिखित होने को कहा जाएगा कि क्यों ना आवेदन स्वीकृत कर दिया जाए और साथ ही सूचना दे दी जाए। जवाब देने में विफल रहने की स्थिति में एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी। तीसरा है, उपनियम 1-2 के अधीन सूचना जारी करने के साथ ही साथ आवेदक को भी उपनियम 2 में वर्णित तारीख के बारे में प्रपत्र घा में सूचना जारी की जाएगी। 4 है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 के उपबंध तथा आवश्यक परिवर्तन सहित उपनियम 2-3 के अधीन सूचना तामिल करने के प्रयोजन हेतु लागू होंगे। 7 है, विरोधी पक्षकार की अनुपस्थिति की दशा में प्रक्रिया सूचना की तामिल होने पर भी विरोधी पक्षकार के कारण बताओ सूचना के उत्तर देने में असफलता की दशा में अधिकरण आवेदन से साक्ष्य लेकर ऐसी अवधि जांच जैसे कि वह ठीक समझे करने के पश्चात एक पक्षी कार्रवाई करेगा तथा आवेदन के निपटारे हेतु आदेश जारी करेगा आदेश पारित करेगा। 7-8 दावे को स्वीकार करने की दशा में प्रक्रिया 6 के अधीन जारी सूचना में नियत की गई तारीख पर विरोधी पक्ष का उपस्थित होने तथा आवेदन के भरण पोषण अपने दायित्व को स्वीकार करने और दोनों पक्षों आपसी समझौते होने की दशा में अधिकरण तदनुसार आदेश पारित करेगा। 9 है, बच्चों या रिश्तेदारों को पक्षकार बनाने की प्रक्रिया विरोधी पक्षकार द्वारा धारा 5 की उपधारा 5 के परंतु के अर्थ आवेदक के किसी अन्य बच्चे रिश्तेदार को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन नियम 6 के उपनियम 2 के अधीन जारी सूचना में यथा विनिर्दिष्ट सुनवाई की प्रथम तारीख पर प्रस्तुत किया जाएगा परंतु ऐसी सुनवाई की प्रथम तारीख के पश्चात कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि विरोधी पक्षकार ऐसे आवेदन को पश्चातवर्ती प्रक्रम पर देर से देने का पर्याप्त कारण न बताएं। 2 है, उपनियम 1 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर अधिकरण का पक्षकारों को सुनने के पश्चात ऐसे आवेदन की उपयुक्तता के बारे में यदि प्रथम दृष्टया समाधान हो जाता है ऐसे बच्चे एवं रिश्तेदारों को नोटिस जारी करेगा कि क्यों ना उन्हें भी एक पक्ष के रूप में पक्षकार बनाया जाए और उन्हें सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उन्हें पक्षकार बनाए जाने का अन्यथा कोई आदेश जारी करेगा। 3 है, यदि अधिकरण
द्वारा उपनियम 2 के अधीन पक्षकार बनाने का आदेश जारी किया जाता है तो उन्हें नियम 6 के अधीन प्रारूपगा में ऐसे पक्षकार बनाने की सूचना जारी की जाएगी। 10 है सुलह अधिकारी को निर्देश, यदि नियम 6 के अधीन जारी सूचना में नियत तारीख पर विरोधी पक्षकार उपस्थित होता है एवं भरण पोषण दावे के विरुद्ध कारण दर्शाता है तो अधिकरण उनके उनसे दोनों पक्ष से मत लेगा कि वे अपना मामला सुलह अधिकारी के पास ले जाना चाहते हैं तथा यदि वे उसकी सहमति व्यक्त करते हैं तो उनसे पूछा जाएगा कि वे अपना मामला नियम 3 के अधीन तैयार पैनल में सम्मिलित किसी व्यक्ति के पास ले जाना चाहेंगे अथवा किसी अन्य व्यक्ति के पास जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो। यदि दोनों पक्ष किसी व्यक्ति पर सहमत होते हैं चाहे वह नियम 3 के अधीन पैनल में शामिल हो या ना हो, अधिकरण ऐसे व्यक्ति को सुलह अधिकारी नियुक्त करेगा एवं उन्हें प्रारूपणा में पत्र के माध्यम से मामला निर्दिष्ट करेगा एवं सुलह अधिकारी से निवेदन करेगा कि वह ऐसी सुलह के लिए प्रकरण निर्देश प्राप्ति की तारीख से अधिक एक माह की कालावधि के भीतर समझौते का प्रयास करे जो दोनों को स्वीकार हो। तीसरा, प्रारूपणा में निर्देश में आवेदन तथा उसके विरोधी पक्षकार का उत्तर संलग्न होगा। अभी 11, सुलह अधिकारी द्वारा कार्यवाही 1 नियम 10 के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर सुलह अधिकारी आवश्यकता होने पर दोनों पक्षों के साथ बैठक करेगा। निर्देश प्राप्ति की तारीख से एक माह की कालावधि के भीतर ऐसे समझौते के लिए प्रयास करेगा जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो। यदि सुलह अधिकारी ऐसे समझौते सफल होता है जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो तो वह प्रारूप 4 में समझौता का ज्ञापन तैयार करेगा, उस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर कराएगा तथा उसे प्रारूप 6 में अपनी रिपोर्ट के साथ अग्रेषित करेगा तथा मामले के सभी अभिलेख जो उसे अभिकरण से प्राप्त हुए हों निर्देश प्राप्त होने से एक माह के भीतर अधिकरण को वापस भेजेगा। तीसरा, यदि सुलह अधिकारी नियम 10 के अधीन निर्देश प्राप्ति के एक माह के भीतर समझौता कराने में असफल रहता है तो वह प्रारूप 6 में समझौते के बारे में किए गए प्रयासों एवं दोनों पक्षों के बीच मतभेद के बिंदु जिसकी समझौता नहीं हो सका को दर्शाते हुए अधिकरण से प्राप्त दस्तावेज रिपोर्ट से साथ वापस भेज देगा। 12, सुलह अधिकारी के समक्ष समझौते होने की दशा में अधिकरण द्वारा कार्रवाई अधिकरण नियम 11 के उपनियम 2 के अधीन समझौते के ज्ञापन के साथ सुलह अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने की दशा में दोनों पक्षों को अपने समक्ष सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को उपस्थित होने हेतु तथा समझौते की पुष्टि हेतु सूचना देगा। 2, यथा उपरोक्त विनिर्दिष्ट तारीख पर पक्षकारों के अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने की दशा में तथा सुलह अधिकारी के समक्ष समझौते की पुष्टि करते हैं तो अधिकरण सहमत हुए अनुसार ऐसे समझौते पर अंतिम आदेश पारित करेगा। 13, है अन्य मामले में अधिकरण द्वारा कार्यवाही, यदि एक आवेदक तथा विरोधी पक्षकार नियम 10 के अधीन के अनुसार अपना विवाद सुलह अधिकारी को सौंपने हेतु सहमत नहीं होते हैं या 2 नियम 10 के अधीन नियुक्त सुलह अधिकारी नियम 11 के उपनियम 3 के अधीन दोनों पक्षों द्वारा समझौता स्वीकार किए जाने में असमर्थता व्यक्त करने की अपनी रिपोर्ट भेजेगा या सुलह अधिकारी से एक माह की समय सीमा के भीतर कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है या 12 के उपनियम 1 के अधीन जारी की गई सूचना के उत्तर में एक या दोनों पक्ष सुलह अधिकारी के समक्ष किए गए ऐसे किसी समझौते की पुष्टि करने में मना करते हैं तो अधिकरण दोनों पक्षों को अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा तथा उसके पश्चात धारा 8 की उपधारा 1 में यथा उपबंध संक्षिप्त जाँच के बाद जैसा वह उचित समझे आदेश पारित करेगा। 2, है दूसरा नियम 7-8 तथा उपरोक्त उपनियम 1 के अधीन पारित कोई आदेश सरकार सकारण होगा जिसमें
अधिकरण द्वारा सुनिश्चित किए गए अनुसरण अनुसार मामले के तथ्यों तथा आदेश के लिए कारणों को वर्णित किया जाएगा। तीसरा है उपनियम एक के दिन पारित किए जाने वाले आदेश में विरोधी पक्षकार द्वारा आवेदन को भरण पोषण देने का निर्देश है तो अधिकरण निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखेगा। कहा है आवेदक द्वारा अपेक्षित रकम जो उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को विशेषतया भोजन कपड़े आवास तथा स्वास्थ्य सुरक्षा की पूर्ति करने के लिए आवश्यक हो, विरोधी पक्ष की आय दूसरा है। तीसरा है आवेदक की संपत्ति का मूल्य तथा संपत्ति से वास्तविक आय यदि कोई हो जो विरोधी पक्षकार की विरासत और या उसके कब्जे में हो। चौथा है प्रत्येक आदेश चाहे वह अंतिम हो अंतरिम की एक एक प्रति आवेदक के विरोध पक्षकार या उसके प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से प्रक्रियागत सुपुर्दगीकर्ता द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी। चौदह है अधिकतम भरण पोषण भत्ता, तो है अधिकतम भरण पोषण भत्ता जो अधिकरण विरोधी पक्षकार को भुगतान करने का आदेश देगा जो अधिकतम रुपये 10,000 के अधीन रहते हुए प्रतिमाह होगा। ऐसी रीति में नियत किया जाएगा कि विरोधी पक्षकार की सभी स्रोतों में आय से अधिक ना हो उससे उसके परिवार के सदस्यों की कुल संख्या के भाग दिया जाएगा तथा आवेदक का आवेदकों को भी उसी पक्षकार के एक सदस्य के रूप में गणना की जाएगी। अध्याय तीन है अपील का प्रारूप। अधिकरण के किसी आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा अपील अधिकरण के समक्ष प्रारूप झा में अपील प्रारूप की जाएगी एवं इसके साथ भरण पोषण अधिकरण के अपेक्षित आदेश की एक प्रति संलग्न होगी। 16 है अपील का रजिस्ट्रीकरण तथा उसकी अभिस्वीकृति। कोई अपील प्राप्त होने पर अपीली अधिकरण इसे ऐसी अपील दर्ज करने के प्रयोजन हेतु रखे गए रजिस्टर में दर्ज करेगा तथा प्रारूप जी मैं अपील क्रमांक तथा अगली सुनवाई की तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए अपील आवेदक को अभिस्वीकृति देगा। 17 है विरोधी पक्षकार को सुनवाई की सूचना। कोई अपील प्राप्त होने पर अपीली अधिकरण प्रकरण रजिस्टर में दर्ज करने एवं अपील क्रमांक देने के पश्चात प्रत्यर्थी को अपनी मुद्रा एवं हस्ताक्षर के अधीन प्रारूपता में नोटिस जारी करेगा। दूसरा है दूसरा है उपनियम एक के अधीन सूचना सम्यक रूप से रजिस्ट्री पोस्ट अभिस्वीकृत प्राप्ति के माध्यम से या आदेशिका तामिलकर्ता के माध्यम से जारी होगी। तीसरा है उपनियम एक के अधीन जारी सूचना तामिल करने के प्रयोजन के लिए सेवा प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। अध्याय 4 है धारा 19 के अधीन स्थापित वृद्धाश्रमों के प्रबंध के लिए योजना 18 निर्धन वरिष्ठ नागरिकों हेतु धारा वृद्धाश्रमों के प्रबंध की योजना धारा 19 के अधीन स्थापित किए गए वृद्धाश्रम निम्नलिखित मानदंडों तथा मानकों के अनुसार चलाए जाएंगे। आ है आश्रम भौतिक सुविधाओं से युक्त होगा और ऐसे प्रचालन संबंधी मानकों के अनुसार चलाया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार निर्देश दे। बाह्य आश्रम के अंतःवासियों का चयन निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। एक है अधिनियम की धारा 19 में यथा पारिभाषित आश्रम में रहने के इच्छुक निर्धन वरिष्ठ नागरिकों से युक्तियुक्त अंतरालों पर किंतु प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार आवेदन मंगाए जाएंगे। दो है किसी भी अवसर पर योग्य आवेदकों की संख्या आश्रम विवेश हेतु उपलब्ध स्थानों अधिक होने की दशा अंतःवासियों का चयन निम्नलिखित रीति से किया जाएगा।
पहला है अधिक निर्धन तथा जरूरतमंद को कम निर्धन आवेदकों पर प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा है अन्य बातें समान होने पर अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अन्य उन वरिष्ठ नागरिकों पर जो कम उम्र के हों प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरा है अन्य बातें समान होने पर महिला आवेदक को पुरुष आवेदक के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी। निरक्षर और या अत्यंत निःशक्त वरिष्ठ नागरिक को बिना किसी औपचारिक आवेदन के प्रवेश किया जा सकेगा यदि जिला न्यायाधीश या अन्य सक्षम प्राधिकारी जिसे इस प्रयोजन हेतु पदावेद किया गया हो इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा वरिष्ठ नागरिक औपचारिक आवेदन देने की स्थिति में नहीं है किंतु उसे आश्रय की अत्यंत आवश्यकता है। प्रवेश के लिए आवेदनों या मामलों का विचार करते समय धर्म या जाति के आधार पर कोई वसीयत निश्चित नहीं दी जाएगी। आश्रम पुरुष तथा महिला अंतर्वासियों के लिए ठहरने की अलग व्यवस्था करेगा जब तक कि पुरुष एवं महिला अंतर्वासी रक्त संबंधी विवाहित युगल ना हो। अभय ई वृद्धाश्रम के दैनिक कार्य कार्यकलापों का प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार गठित की जाएगी। ऐसी समिति में अंतर्वासियों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। दूसरा है राज्य सरकार उपनियम एक में अधिकथित मानक तथा मानदंडों के अनुसार वृद्धाश्रम में प्रवेश तथा प्रबंधन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश आदेश समय-समय पर जारी कर सकेगी। तीसरा है सभी वृद्धाश्रम प्रबंध की अनुज्ञा से आगंतुकों के लिए खोले जाएंगे जैसा कि प्रबंधन अंतर्वासियों के हितों की सुरक्षा कल्याण आदि की दृष्टि से समुचित मानता है। पांच है जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य तथा शक्तियां। जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य तथा शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट उपनियम 2 एवं 3 में वर्णित कर्तव्यों का पालन तथा शक्तियों का प्रयोग करेगा जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिनियम के उपबंधों का उसके जिले में उचित पालन हो रहा है। दूसरा जिला मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य होगा कि यह सुनिश्चित करना कि जिले के वरिष्ठ नागरिकों का जीवन तथा संपत्ति सुरक्षित रहे और वे सुरक्षा तथा सम्मान से जीवन यापन करने में समर्थ हो सके। अब है दो जिले के भरण पोषण अधिकरण तथा भरण पोषण अधिकरण के कार्य का पर्यवेक्षण तथा मॉनिटर यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कार्य करना कि भरण पोषण के लिए आवेदन का उचित निपटारा तथा अधिकरण के आदेश का निष्पादन समय पर तथा उचित तरीके से हो। तीन है जिले में वृद्धाश्रमों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण तथा मॉनिटर करना जिससे यह सुनिश्चित हो कि उसमें इन नियमों में अधिकथित मानदंडों तथा राज्य सरकार के किसी अन्य मार्गदर्शक सिद्धांत और आदेश का पालन हो रहा हो। 4 अधिनियम के उपबंधों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए केंद्रीय तथा राज्य सरकार के कार्यक्रम का व्यापक प्प्रचार प्रसार सुनिश्चित करना। 5 है पंचायत नगरपालिका नेहरू युवा केंद्र शैक्षणिक संस्थान विशेषता उनकी राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई संगठन विशेषज्ञ कार्यकर्ता आदि जो जिले में कार्य कर रहे हैं उनके संसाधनों तथा प्रयासों को जिले के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रभावी तरीके से उन्नत किया जा सके। 6 प्राकृतिक आपदाएँ तथा अपराध आकस्मिकताओं की दशा में वरिष्ठ नागरिकों की समय पर सहायता तथा राहत के उपबंध सुनिश्चित करना। विभिन्न विभिन्न विभागों तथा स्थानीय निकायों के अधिकारों जो कि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित है ऐसे नागरिकों की आवश्यकता और इन अधिनियमों के कर्तव्य तथा दायित्वों के संबंध में नियतकालिक संवेदनशीलता सुनिश्चित करना। 8 जिले के वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मामलों का अन्वेषण तथा विचारण करने की प्रगति की समीक्षा करना। 9 भरण पोषण के लिए विहित आवेदन प्रारूपों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करना जिससे कि नागरिकों के लिए सामान्य संपर्क में आने वाले कार्यालयों जैसे पंचायत पोस्ट ऑफिस विकासखंड तहसील कार्य
मुख्यालय, जिला कार्यालय, कलेक्ट्रेट, पुलिस स्टेशन आदि में उपलब्ध हूँ। 10 है जिला मुख्यालयों पर वरिष्ठ नागरिक के लिए सहायता केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करना। 11 ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो राज्य सरकार आदेश द्वारा इन इस संबंध में समय समय पर जिला मजिस्ट्रेट को सौंपे। 3 है उपनियम 2 में वर्णित कर्तव्यों का पालन करने की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट ऐसे निर्देश जो अधिनियम इन नियमों तथा सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांतों से असंगत ना हो, जैसा कि राज्य सरकार आवश्यक समझे, जिले में कार्य कर रही है संबंधित शासकीय या कानूनी एजेंसी या निकाय को जारी करने के लिए सक्षम होगा तथा विशेषता निम्नलिखित के लिए सक्षम होगा। राज्य सरकार में पुलिस, स्वास्थ्य तथा जनसंपर्क विभाग के और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित विभाग के अधिकारी बी है भरण पोषण अधिकारी तथा जिला अधिकारी, सी है पंचायत तथा नगर पालिका, डी है शैक्षणिक संस्थाएं। अध्याय 6 वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति का संरक्षण हेतु कार्य योजना। जिला पुलिस अधीक्षण वरिष्ठ नागरिकों के जीवन संपत्ति के संरक्षण के लिए ऐसे मार्गदर्शन दर्शक सिद्धांतों की अधीन रहते हुए ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाएगा जैसा कि राज्य सरकार समय समय पर जारी करे। 2 उपनियम 1 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। 1 है प्रत्येक पुलिस स्टेशन उसके स्थान क्षेत्राधिकार के भीतर रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की अद्यतन सूची संधारित करेगा, विशेषकर जो अकेले रहते हैं अर्थात उसके परिवार के किसी सदस्य के बिना जो वरिष्ठ नागरिक नहीं है। 2 पुलिस थाने के प्रतिनिधित्व निधि जहां तक संभव हो सामाजिक कार्यकर्ता या स्वयं सेवक के साथ वरिष्ठ नागरिकों के घर नियमित अंतराल से कम माह में एक बार जाएंगे तथा इसके अतिरिक्त उसकी सहायता तथा अनुरोध प्राप्त होने पर यथासंभव शीघ्र उसके यहाँ दौरा करेंगे। 3 वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों समस्याओं का स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित समाधान किया जाएगा। किया जाएगा 4 प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर 1 या उससे अधिक स्वयंसेवी समितियों बनाई जाएंगी जो विशेषतः वरिष्ठ नागरिकों से एक ओर तथा दूसरी ओर पुलिस तथा प्रशासन के बीच संपर्क में रहेंगी। 5 जिला पुलिस अधीक्षक प्रचार माध्यमों से और पुलिस स्टेशनों के द्वारा नियमित अंतरालों पर वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों को व्यापक रूप से प्रचारित करेगा। 6 प्रत्येक पुलिस स्टेशन ऐसे प्रारूप में जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे वरिष्ठ नागरिकों विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंधित समस्त महत्वपूर्ण विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करने वाला एक पृथक रजिस्टर रखेगा। 7 खंड 6 में निर्दिष्ट रजिस्टर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखा जाएगा और पुलिस स्टेशन का निरीक्षण कर रहा प्रत्येक अधिवक्ता रजिस्टर में तथा यदि परिवर्तित स्थिति निरंतर पुनर्विलोकित करेगा। 8 पुलिस स्टेशन प्रत्येक मास की 10 तारीख तक ऐसे अपराधों की रिपोर्ट जिला पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करेगा। 9 वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सुरक्षा के हित में क्या करना और क्या नहीं इसकी सूची विस्तृत रूप से प्रचारित की जाएगी। 10 वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्य कर रहे घरेलू नौकरों और अन्य लोगों के प्रवृत्त ऐसे नागरिकों के अनुरोध तत्परता से सत्यापित किए जाएंगे। 11 वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए उनके पड़ोसी, सहवासी, कल्याण संस्था, युवा स्वयंसेवी, अशासकीय संगठन आदि के साथ मिलकर कार्य करने हेतु सामुदायिक पुलिसिंग कम्युनिटी का जिम्मा लिया जाएगा। 12 जिला पुलिस अधीक्षक पिछले मास के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध की स्थिति के बारे में रिपोर्ट प्रत्येक मास की 20 तारीख तक पुलिस महानिदेशक तथा जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा, जिसमें माह के दौरान रजिस्ट्रीकृत अपराधों की विवेचना और अभियोजनों की प्रगति और निवारक उपाय सम्मिलित होंगे। 13 जिला मजिस्ट्रेट नियम 22 के अधीन गठित जिला स्तरीय समन्वय सह मॉनिटरिंग समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करवाएगा। 14 पुलिस महानिदेशक 3 मास में 1 खंड
12 के अधीन प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का संकलन करवाएगा। उन्हें प्रत्येक 3 मास में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष अन्य बातों के साथ नियम 21 के अधीन गठित वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषद के समक्ष रखेगा। अध्याय 7 है वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषद तथा जिला समिति। 21 है वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषद। राज्य सरकार आदेश द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की एक राज्य परिषद गठित करेगी जो राज्य सरकार को अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर सलाह देगी तथा वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगी जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। दूसरा है राज्य परिषद निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी अर्थात मंत्री मध्य प्रदेश शासन राज्य परिषद मिलकर बनेगी। किससे? मंत्री मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय विभाग चेयरपर्सन प्रमुख सचिव सचिव सामाजिक न्याय विभाग सदस्य प्रमुख सचिव सचिव गृह विभाग सदस्य प्रमुख सचिव सचिव स्वास्थ्य विभाग सदस्य प्रमुख सचिव सचिव वित्त विभाग सदस्य आयुक्त जनसंपर्क सदस्य संचालन पेंशन सदस्य 2 सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य पेंशनर संगठनों के 2 प्रतिनिधि सहयोग सदस्य आयुक्त संचालन सामाजिक न्याय सदस्य सचिव। तीसरा है राज्य परिषद कम से कम 6 माह में संगठित करेगी। 4 है अशासकीय सदस्यों को छोड़कर राज्य परिषद के सदस्यों की अवधि परिषद के प्रक्रिया के नियम तथा अन्य आनुषंगिक मामलों में ऐसे होंगे जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें। 5 है राज्य सरकार अधिनियम के क्रियान्वयन और वृद्ध व्यक्तियों के से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं पर आधारित व्यावसायिक अनुसंधान तथा सामाजिक अंकेक्षण करेगी। 22 है जिला समिति। राज्य सरकार एक जिला समिति का गठन करेगी जो अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम गतिविधियों का निरीक्षण करने की भूमिका का निर्वहन भी करेगी। 21 है जिला समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी अर्थात कलेक्टर चेयरपर्सन पुलिस अधीक्षक सदस्य मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य चेयरपर्सन रोटरी लायंस क्लब सदस्य सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी सदस्य 2 सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य पेंशनर संगठन के प्रतिनिधि सदस्य 2 दानदाता डोनर सदस्य उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग सदस्य सचिव। 2 जिला समिति। 2 जिला समिति प्रत्येक 3 मास में अपना सम्मिलित करेगी। 3 जिला समिति की संरचना। जिला समिति के सदस्यों की कार्रवाई पदेन सदस्यों छोड़कर प्रक्रिया के नियम तथा अन्य आनुषंगिक विषय ऐसे होंगे जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे। जिला समिति माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के क्रियान्वयन से संबंधित गतिविधियों का निम्नलिखित रूप से पुनर्विलोकन करेगा अर्थात प्रदर्शनों के प्रशासन और गतिविधियों का पुनर्विलोकन भी है। अधिनियम के अधीन स्थापित संस्थाओं का निरीक्षण करना तथा उनकी रिपोर्ट सामाजिक न्याय विभाग के संचालन आयुक्त को करना। ग्रहों के उन्नयन तथा विकास के लिए समुचित कार्यक्रम प्रस्तावित करना। समाज के वरिष्ठ नागरिकों को पुनर्वास के लिए कार्यक्रम का समर्थन देना। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण तथा पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता लाना। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न एजेंसियों के बीच माध्यम लिंकेज बनना। 6 जिले में अधिनियम के अधीन स्थापित किए गए अधिकरणों के कृत्यों का पुनर्विलोकन करना। चाहे संस्थागत तथा गैर संस्थागत सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए आवश्यक सुधार सुझाव प्रस्तावित करना। समिति निरीक्षण पूरा करने के पश्चात निष्कर्षों पर अपनी रिपोर्ट देगी तथा रिपोर्ट संचालन आयुक्त सामाजिक न्याय विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजेगी। कोटी देखते हैं तो पहला क्वेश्चन है माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 का विस्तार है तो जम्मू कश्मीर राज्य की सेवा संपूर्ण भारत पर
दूसरा क्वेश्चन है, माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 लागू होता है। भारत में निवास करने वाले भारत के निवासियों पर, भारत के बाहर निवास करने वाले भारत के निवासियों पर। तीसरा है, माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 मध्य प्रदेश राज्य में किस तारीख को लागू हुआ, तो ये दिनांक 23 अगस्त 2008 को लागू हुआ। चौथा है, माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2004 छत्तीसगढ़ राज्य में किस तारीख को लागू हुआ, तो 26 सितंबर 2008 को छत्तीसगढ़ में लागू हुआ और मध्य प्रदेश में 23 को हुआ, 23 अगस्त को 2008 को। 2008 दोनों में, इसमें 23 अगस्त को हुआ है, इसमें 26 सितंबर को हुआ है। पाँचवें है, माता पिता वरिष्ठ नागरिक इस अधिनियम 2007 के अनुसार बालक में सम्मिलित हैं तो पौत्र पौत्री बेटा बेटी सब। छठवां है, इनमें से कौन माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के तहत संतान में शामिल नहीं है, तो अवयस्क पुत्र और पुत्री शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 2A के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बालक में सम्मिलित नहीं है, अवयस्क पुत्र। आठ है, माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण 2007 2B के अनुसार भरण पोषण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है, तो शिक्षा सम्मिलित नहीं है, आहार वस्त्र चिकित्सीय परिचर्या उपचार निवास सम्मिलित हैं। नौ है, माता 2007 अधीन अंतर्गत भरण पोषण में क्या सम्मिलित नहीं है, तो वाहन सम्मिलित नहीं है, 9वें में आहार वस्त्र निवास सम्मिलित हैं। दसवां है, माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 में अवयस्क किसे माना गया है, तो जो भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के उपबंधों के अधीन वयस्कता का आयु प्राप्त नहीं किया गया समझा जाता है। तो 11 है, निम्न में से भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अधीन माता पिता से में सम्मिलित है, माता पिता में सम्मिलित है दत्तक तथा सौतेले पिता माता दत्तक बोलो केवल जैविक माता ऐसे माता पिता जो वरिष्ठ नागरिक हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से 2007 के अधीन माता पिता में सम्मिलित हैं, तो दत्तक सौतेले पिता माता केवल जैविक माता पिता जो वरिष्ठ नागरिक हैं सभी शामिल हैं। 12 है, भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के अधीन संपत्ति में सम्मिलित है जंगम स्थावर अर्जित संपत्ति जंगम स्थावर पैतृक संपत्ति मूर्त अमूर्त संपत्ति सभी संपत्ति सम्मिलित हैं। 13 है, माता पिता वरिष्ठ नागरिक 2007 में नातेदार किसे कहा गया है, तो नए संतान वरिष्ठ नागरिकों का कोई वयस्क विधिक वारिस जिसके कब्जे में उसकी संपत्ति है या उसकी मृत्यु के पश्चात विरासत में प्राप्त करेगा वो नातेदार होगा। 14 में क्या है, चौदह में इस अधिनियम मतलब 2007 वरिष्ठ नागरिक इस अधिनियम मतलब मैं अधिनियम बोलूंगी तो हम माता पिता भरण पोषण अधिनियम की बात कर रहे हैं 2007 की। तो इस अधिनियम में नागरिक किस आयु के व्यक्ति को कहा गया है, तो 60 वर्ष या अधिक के व्यक्ति को नागरिक कहा गया है, आंसर नंबर बी हमारा सही है। 15 है, माता इस अधिनियम में किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक, 15 का सी हमारा सही है। 16 है, निम्न में से कौन भरण पोषण का आवेदन मंजूर नहीं किया जा सकता, तो ऐसे वरिष्ठ नागरिक का अपने नातेदार के विरुद्ध आवेदन जिनका पुत्र विदेश में कार्यरत है तो आवेदन प्राप्त नहीं किया जा सकता। 17 है, माता पिता वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4 के अधीन भरण पोषण के लिए कोई आवेदन, हमारा आंसर नंबर डी है इसमें सही, मतलब सभी यथास्थिति किसी वरिष्ठ नागरिक किसी माता पिता द्वारा किया जा सकेगा, नागरिक या माता पिता अशक्त हैं तो उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी संगठन द्वारा किया जा सकेगा, अधिकरण स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकेगा। 18 है, इस अधिनियम में 5(2) के अधीन फाइल किए गए किसी आवेदन का यथासंभव ऐसे व्यक्ति को आवेदन की सूचना की तामीली से तारीख से 90 दिनों के भीतर निपटारा किया जाएगा। 19 से असाधारण परिस्थितियों में अधिकरण भरण पोषण के लिए कार्रवाइयों के खर्चे के मासिक भत्ते धारा 5(2) के अधीन फाइल किए गए किसी आवेदन के निपटान की अवधि को एक बार अधिकतम बढ़ा सकेगा, कितना बढ़ाया जा सकता है, तो 30 दिन तक बढ़ाया
जा सकता है। 20 नंबर है हमारा, 2007 की धारा 5 के दिन बालकों या नातेदारों के विरुद्ध उस जिले में कार्यवाही शुरू की जा सकेगी, तो किस जिले में, जहां वह निवास करता है, अंतिम बार निवास किया है, जहां वह बालक या नातेदार निवास करता है। 21 है, बालकों या नातेदारों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन यथा उपबंधित प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी। भरण पोषण अधिनियम साक्ष्य किस रीति में अभिलिखित किए जाएंगे, तो समन मामलों के लिए विहित रीति में, मतलब 22 का हमारा ए वाला आंसर सही है। 23 है, धारा 5 के अधीन आवेदन की सुनवाई करने से पूर्व अधिकरण उसे सुलह अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा, ऐसा सुलह अधिकारी अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करेगा 1 मास के भीतर। धारा 5 के अधीन, मतलब हमारा 23 का आंसर नंबर ए वाला सही है। 24 है, 2007 की कौन सी धारा के अधीन भरण पोषण अधिकरण का गठन किया गया है, तो 7 के अधीन, धारा 7, आंसर नंबर बी हमारा सही है। भरण पोषण अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, बी सही है। भरण पोषण अधिकरण का गठन किसके लिए किया जाएगा, तो प्रत्येक उपखंड के लिए किया जाएगा, आंसर नंबर ए सही है। भरण पोषण अधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा, तो उपखंड अधिकारी से अन्यून पंक्ति का अधिकारी भरण पोषण अधिकारी का अध्यक्ष होगा। 27 का हमारा डी सही है। अट्ठाईस है, 2007 के तहत गठित भरण पोषण अधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, तो उपखंड अधिकारी के से अन्यून पंक्ति के अधिकारी द्वारा की जाएगी। 29 से अधिनियम की धारा 9(2) में अधिकतम भरण पोषण भत्ता कितना बताया गया है, तो 10,000 रुपये प्रतिमास। 30 बताया गया है कि माता पिता 2007 के अधीन अंतर्गत इनमें से अधिकतम कितना भरण पोषण भत्ता निर्धारित है, तो 10,000 रुपये से, ये हमारा 30 है। 31 से भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 की कौन सी धारा के अधीन किया जाएगा भरण पोषण भत्ते में परिवर्तन, कौन सी धारा के अधीन, तो धारा 10 करेगी। सुनाए जाने की तारीख से कितने दिनों के भीतर जमा की जाएगी, तो रकम अधिकरण द्वारा आदेश सुनाए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर जमा की जाएगी। 32 का हमारा क्या है, आंसर नंबर सी सही है। अब हम 33 पे चलते हैं, तो 33 क्या है, 33 में है माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधीन 2007 की धारा 14 में दावा अनुज्ञात किए जाने पर किस दर से साधारण ब्याज के अधीन निर्णय किए जाने का प्रावधान है, तो 5 से 18% तक, आंसर नंबर हमारा पहला सही है। 34 है, भरण पोषण अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील किसके समक्ष की जाएगी, तो अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी, आंसर नंबर डी सही है। अपील अधिकरण की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी, तो राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। अपील अधिकरण का गठन किया जाएगा, तो प्रत्येक जिले के लिए किया जाएगा। अपील अधिकरण का अध्यक्ष ऐसा अधिकारी होगा जो जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का ना हो। व्यक्ति कोई वरिष्ठ नागरिक का कोई माता पिता आदेश की तारीख से कितने दिनों के भीतर अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा, तो 60 दिन के भीतर अपील किया जा सकता है। अपील अधिकरण का आदेश की प्राप्ति की कितनी अवधि के भीतर लिखित में सुनाने का प्रयास किया जाएगा, तो लिखित में सुनाने का प्रयास किया जाएगा 30 दिन के भीतर। 39 का हमारा पहला सही है और 38 का हमारा सी वाला सही है, सा। 40 से निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो 16(5) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति नाममात्र शुल्क पर दोनों पक्षकारों को भेजी जाएगी, ये गलत है, बाकी सब सही है। अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाही का किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व तो किसी विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा। अपील अधिकरण का उस अधिकरण से जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है कार्रवाई का अभिलेख मंगा सकेगा। अपील अधिकरण अधिकरण के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील का न्याय निर्णय और विनिश्चय करेगा तथा अपील अधिकरण का आदेश अंतिम होगा।
हम इनको देख लेते हैं, एक मिनट। इकतालीस है, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रकरण में अधिकरण के समक्ष विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व तो किया जा सकेगा तो नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार भरण पोषण अधिकारी के रूप में किसे पदावहित करेगी, तो जिला समाज कल्याण अधिकारी को, और जिला समाज कल्याण अधिकारी की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी को। अधिनियम की धारा 19 के अधीन वृद्धाश्रमों की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी, तो राज्य सरकार द्वारा। 2007 की कौन सी धारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सहायता की बात करती है, तो धारा 20 बात करती है। 45 है, 2007 की धारा 21 के अनुसार राज्य सरकार क्या सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी, तो राज्य सरकार इस अधिनियम के, ये आंसर नंबर हमारा डी सही होगा। तो इसमें क्या क्या है, इस अधिनियम के उपबंधों का टेलीविज़न रेडियो अखबारों सहित सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से नियमित अंतरालों पर व्यापक प्रचार किया जाता है। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के अधिकारियों को, जिनके अंतर्गत पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवा के सदस्य भी हैं, इस अधिनियम से संबंधित मुद्दों पर समय समय पर शुग्राही और जागरूक होने का प्रशिक्षण दिया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए विधि, गृह, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंध मंत्रालयों या विभागों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय और उसका कालिक पुनर्विलोकन किया जाता है। 46 से 2007 की धारा 23 के अधीन संपत्ति का अंतरण अंतरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा घोषित किया जाएगा, तो शून्य घोषित किया जाएगा। जो कोई जिसके पास वरिष्ठ नागरिक की देखरेख सुरक्षा ऐसे वरिष्ठ नागरिक का कोई को किसी स्थान में ऐसे वरिष्ठ नागरिक का पूर्णतया परित्याग करने की आशा से छोड़ेगा, वह दंडनीय होगा 3 मास तक के कारावास से या 5,000 रुपये तक के जुर्माने से। 48 से 2007 के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय और जमानती होगा। 2007 के अधीन किसी अपराध का किसी मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जाएगा। 49 में से कौन सा कथन सत्य है, तो सभी सही हैं। इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किए गए प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी वृंद को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 द्वारा सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन किया गया है। 28 द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई को संरक्षण है। 51 है, 2007 के उपबंधों का निष्पादन करने के बारे में किसी राज्य सरकार को निर्देश कौन दे सकेगा, तो केंद्रीय सरकार निर्देश दे सकेगी। 51 है। 52 है, राज्य सरकारों द्वारा माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा 2007 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की प्रगति के पुनर्विलोकन अनुवीक्षण कौन कर सकेगा, तो पुनर्विलोकन अनुवीक्षण केंद्रीय सरकार कर सकेगी। आंसर नंबर ए सही है। वर्ष 2007 प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए नियम कौन बना सकेगा, तो इस अधिनियम में राज्य सरकार नियम बना सकेगी। तो थैंक यू दोस्तों, आंसर नंबर हमारा इसका बी सही है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये हमारा क्विक रिवीजन है। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।